चौधरी ईश्वर सिंह जी की स्मृति में जो ये भाषण प्रतियोगिता हो रही है, इसमें जो अतिथिगण है और जो निर्णायक मंडल है, स्कूल स्टाफ है और ये प्यारे बच्चे आए हुए हैं जो प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मुझे यहाँ पर आपने चीफ गेट बुला, इसके लिए मैं पूरी मैनेजमेंट कमेटी का और आदरणीय प्राचार्य सभी स्टाफ का मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो बच्चे प्यारे बच्चों आप यहाँ प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हो, कभी आप ये मत समझना भी आज हार हुई है, जीत हुई है। हार जीत तो जीवन का एक हिस्सा है, हार भी होती रहती है और जीत भी होती रहती है। बेटे अपने सच्चे लगन से आप जो भी आप अपने विचार रख रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका समय का थोड़ा अभाव है, दो चार जगह मेरे जाना है, भाई ये मेरी मजबूरी है। मैंने तुम्हें कह रहा था भाई साहब से कि आपने जाते जाते बहुत बढ़िया ये तो मनोरंजन करा है, ये जो जोड़ी आई थी बहुत प्यारा ये लगा, ये म्यूजिक लगा हमें, बहुत बहुत सबका धन्यवाद। और मैं बच्चों से थोड़ा अपना संदेश भी देना चाहता हूँ, जो जितने बच्चे दूसरे बैठे हैं जो यहाँ पर हिस्सा नहीं ले रहे उनके लिए भी, बेटा सच्चे लगन से अपनी पढ़ाई करो और अपने माँ बाप की जो परिश्रम की कमाई है उनका सही हिसाब से उसका करो, और स्कूल में अच्छा डिसिप्लिन रखो, और नौकरी के बारे में जो आगे आपने सर्विस करनी उसके बारे में कोई संकोच मत करना। छोटी नौकरी मिले तो भी लेना, बड़ी नौकरी मिले तो भी लेना। बेटा मैं खुद बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं सिर्फ 12वीं क्लास करने के बाद दिल्ली पुलिस में सिपाही भर्ती हुआ था। मैंने वहीं पर जाकर बीए की, वहीं से मैंने टेट पास किए और वहां मैं 38 साल और 4 महीने मैंने वहां सेवा की और मैं एसीपी के पद से रिटायर हुआ हूं। तो कोई संकोच मत करना कि छोटी नौकरी या बड़ी नौकरी, छोटे से बड़ा होता बेटे, बड़े से छोटा कभी नहीं होता। पहले छोटी पकड़ो उसके बाद बड़ी लो और कामयाबी करो। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।